दोस्तों ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस i3s BS6। हीरो ने स्प्लेंडर प्लस में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दे दी है, जो कि एक नया फीचर है इस बाइक में। हीरो स्प्लेंडर प्लस में 5 वेरिएंट आते हैं, 9 कलर का ऑप्शन दिया है और ये है ब्लैक बेस सिल्वर कलर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में वाइजर मिल जाता है, जिसके ऊपर हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर दिया है और साइड में आपको ग्राफिक्स की पट्टी भी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर मिल जाते हैं बल्ब वाले, और यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ। जैसा कि यहाँ से आप इसकी रोशनी को देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी दी गई है। और चलते हैं इसके नीचे की साइड में। तो यहाँ से आप इसके फ्रंट वाले टायर की ग्रिप को देख सकते हो और इसके फ्रंट वाले मडगार्ड के ऊपर IBS का लोगो और यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इसकी आगे पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। और यहाँ पर 80/118 का टायर साइज मिल जाता है, इसमें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके फ्रंट में। तो अब हम बात करें इसके मीटर कंसोल की। तो यहाँ पर आपको वही पुराना वाला मीटर कंसोल मिल जाता है, जो कि एनालॉग टाइप का है। और यहाँ पर आपको जो है स्पीड देख सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है साइड स्टैंड की इंडिकेशन लाइट और i3s की इंडिकेशन लाइट दी गई है। और इसके दूसरी साइड में फ्यूल का मीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है गियर की न्यूट्रल लाइट, इंजन माल फंक्शन और मेन हेडलाइट इंडिकेशन और टर्न सिग्नल इंडिकेशन लाइट दी गई है। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छा फीचर्स मिल जाता है, इसमें आपको जो है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मिल जाती है, आप अपने मोबाइल को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्रोम की हैंडल बार रॉड, और यहाँ पर आपको जो है वही पुराने वाले साइड मिरर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है लो बीम हाई बीम और इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। इसके दूसरी साइड में i3s का और सेल्फ का स्विच दिया गया है। इसको साइड प्रोफाइल से देखें तो इसकी जो थीम है वो सिल्वर कलर की दी गई है, और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी सिल्वर कलर के देखने को मिल जाते हैं। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको एक बड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है, जिसके ऊपर हीरो की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्राम वाईफाई की बैजिंग मिल जाती है। और इसके बैटरी पैनल पर स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो और i3s का स्टिकर दिया गया है ग्राफिक्स के साथ में। और इसके पीछे की साइड में 80/118 का टायर साइज दिया गया है, इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पर 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसको आप अपने वेट और डिमांड के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 130mm की ड्रम ब्रेक दी गई हैं इसके रियर की साइड में। और इसके सीट कॉल के ऊपर भी आपको ग्राफिक्स की पट्टी मिल जाती हैं सिल्वर कलर के साथ। इसकी सीट की क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको मीडियम क्वालिटी की सीट मिलती है, इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी मीडियम है, जबकि स्प्लेंडर प्लस का जो 100 मिलियन एडिशन है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है वही पुराना वाला, और इसकी जो टेल लैंप है वही आपको जो है पुरानी वाली मिल जाती है। साइड में आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं बल्ब वाले। और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ भी आपको ग्राफिक्स की पट्टी और सेम स्टिकर और ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके भी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 9.8 लीटर की दी गई है। इसके पीछे की साइड में कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड दिया गया है, और यहाँ पर आपको सस्पेंशन और यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट प्लेन के लिए। और यहाँ से आप इसके चैनसेट कवर को देख सकते हैं, जो कि फुली मेटल का दिया गया है, जो कि फुली कवर्ड है। और इसके इंजन की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको इसके इंजन के ऊपर हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 4-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट। और इसके नीचे की साइड में साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दिए गए हैं, और इसके साइड स्टैंड के ऊपर एक सेंसर दिया गया है। और यहाँ पर आपको 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और यहाँ पर आपको लेग गार्ड दिया गया है जो कि क्रोम फिनिश के साथ है। और यहाँ पर पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की बैजिंग मिल जाती है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है। इसकी मैक्सिमम पावर है 8.02 PS की 8000 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 RPM पर। अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में। तो यहाँ भी आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की बैजिंग मिल जाती है इसके टूल बॉक्स के ऊपर, और इसके हीरो की ब्रांडिंग यहाँ भी आपको मिल जाती है इसके इंजन के ऊपर। और यहाँ पर किक स्टार्ट का लीवर, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और यहाँ पर ब्रेक पैड दिया गया है, जो कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक कैटेलिटी कन्वर्टर मिल जाता है, जिसके ऊपर एक मेटल की प्लेट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सेंसर और यहाँ पर स्पार्क प्लग दिया गया है इसके इंजन के हेड के ऊपर। और यहाँ से आप इसके जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को देख सकते हो, जैसा कि ये सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइन को देख सकते हो, इसके ऊपर एक लंबी सी क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है। इसके एग्जॉस्ट में भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको इसके एग्जॉस्ट का और इसके इंजन का आपको साउंड सुना देता हूँ। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ से आप इसके इंजन का साउंड नोट कर सकते हो।
सकते हो। तो यहाँ पे आप इसके इंजन का जो साउंड है उसको और सुन सकते हो, आपको इसके इंजन का साउंड कैसा लग रहा है। अब आप यहाँ से जो है इसके एग्जॉस्ट का भी साउंड सुन सकते हो। तो अब मैं बात करूँ इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो इस बाइक में आपको 65 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है लोकल में। और आप इस बाइक को सिटी या हाईवे पर चलाते हैं इकोनॉमी जोन में 40 से 50 की स्पीड में, तो ये बाइक आपको 70 से 75 किलोमीटर का आसानी से माइलेज दे देती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी ऑनरोड कीमत की। तो स्प्लेंडर प्लस के i3s मॉडल की ऑनरोड कीमत है 83,050 रुपये। यह ऑनरोड कीमत मैंने आपको बताई है साइनोशोर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी का हीरो स्प्लेंडर प्लस का ऑन रोड प्राइस रिप्लाई करके बता दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।